Welcome to Gate Academy. In this video, we will see how to determine the seepage discharge through anisotropic soil. So we can discuss here for anisotropic soil. Mujhe pata hai what happens if I talk about the flow net. Flow net mein the area bounded between two flow lines and between two flow lines and two equipotential lines is called flow field. ये जो flow field है, it will be square for isotropic soil. ये जो flow field है, it will be rectangular for anisotropic soil. This already we have discussed in previous videos. In this video, what I want to discuss कि यदि मेरे पास anisotropic soil है, तो उसका जो flow field बनेगा, ये जो flow field है, it will be rectangular. यदि मैं बोल रहा हूँ, ये dimension small x से मैं शो कर रहा हूं तो इसका इसको इस फॉर रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन दिस डिस्चार्ज. सो व्हाट आई डू, इस रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड को मैं स्क्वायर फ्लो फील्ड में ट्रांसफॉर्म करता हूं. किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता हूं, इसको मैं कुछ इस तरीके से स्क्वायर फ्लो फील्ड में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. और अब ये जो डायमेंशन हो चुका है, इट इज कैपिटल एक्स. आई कैन से दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ योर फ्लो फील्ड. अब ये स्क्वायर हो चुका है. अब हम हमारी जो इक्वेशन है सीपेज डिस्चार्ज की, विच इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू के इंटू डेल्टा एच इंटू एन एफ बाय एन डी, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अब हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. इसके अंदर जो के होगा, मैं जानता हूं इफ आई हैव सपोज एन आइसोट्रोपिक सॉइल, इन दैट केस यदि मैं 2D एनालिसिस की बात कर रहा हूं, सो वहां पर के एक्स विल नॉट बी इक्वल टू के वाई. सो यहां पर ये जो आपको के लेना है, दैट यू हैव टू टेक इक्विवेलेंट के डेल्टा एच इंटू एन एफ बाय एन डी. दिस यू कैन सी यहां पर जो k इक्विवेलेंट होगा, उसका जो वैल्यू होगा, दैट विल बी अंडर रूट के एक्स इंटू के वाई. बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन यू कैन डिराइव दिस इक्वेशन ऑफ k इक्विवेलेंट, विच इज इक्वल टू के एक्स इंटू के वाई. के एक्स क्या है, x डायरेक्शन में कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी है, y डायरेक्शन, के वाई जो है वो y डायरेक्शन में कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी का वैल्यू है. डेल्टा h क्या है, इट इज द टोटल हेड लॉस. और एन एफ बाई एन डी आपका शेप फैक्टर्स है, जहां पर एन एफ को हम बोलते हैं नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, एन डी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स. पिछले वीडियोस में इस पर काफी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और नंबर ऑफ गेट के प्रॉब्लम्स भी हमने इसमें सॉल्व किए थे. यहां पर यदि मैं इस रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड को स्क्वायर फ्लो फील्ड में ट्रांसफॉर्म करता हूं, यदि वहां पर फ्लो फील्ड का डायमेंशन यदि स्मॉल एक्स है, तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसका जो डायमेंशन है वो कैपिटल एक्स हो जाता है. ऑफकोर्स यहां से दिख रहा है कि ये रिड्यूस हो रहा है, मैंने फिगर ही इस फॉर्म में बनाया है. तो किस तरीके से रिड्यूस हो रहा है, दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस नाउ. सपोज देखिए कि मैं जानता हूं, मैंने लाप्लास इक्वेशन की बात किया था. वी हैव लाप्लास इक्वेशन टू शो द फ्लो थ्रू द सॉइल मास फॉर सपोज द सॉइल मास इज एन आइसोट्रॉपिक. द इक्वेशन वी हैव पार्शियल टू एच बाई पार्शियल एक्स टू प्लस के वाई इंटू पार्शल टू एच पार्शल वाई टू इक्वल टू जीरो. ये इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, गिवन बाय लैपलास. यहां पर इस इक्वेशन में क्या मैं इसको इस फैशन में लिख सकता हूं, के एक्स डिवाइड बाई के वाई पार्शल टू एच पार्शल एक्स टू प्लस पार्शल टू एच बाय पार्शल वाई टू. What I have done, I have divided both the side by ky. अब क्या इस equation को हम इस fashion में भी लिख सकते हैं, partial to h by ky by kx partial x2. अच्छा ये सभी small x है, ये जो बना रहा हूं ये सभी small x में अभी फिलहाल में बने हैं, plus partial to h by partial y2 equal to zero. क्या मैं इसको ऐसा भी लिख दूं, partial to h डिवाइड बाय पार्शियल कैपिटल एक्स स्क्वायर आई मीन टू प्लस पार्शियल टू एच बाय पार्शियल
y2 equal to 0. तो ये जो इक्वेशन है आप देखेंगे, ये जो इक्वेशन है ये अब कैसी इक्वेशन बन चुकी है, एज अ आइसोट्रॉपिक वाली इक्वेशन, मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो ये आपकी कैसी बन गई है, एक आइसोट्रॉपिक की इक्वेशन बन गई है। ये आपकी एक कैसी इक्वेशन थी, ये एन आइसोट्रॉपिक की इक्वेशन थी। तो मैंने क्या किया, फ्लो फील्ड को रेक्टेंगल से स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया मीन्स ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कैसे ट्रांसफर किया, ये ट्रांसफॉर्म मैंने किया है इस डायमेंशन को चेंज करके, इसको कॉन्स्टेंट रखा, इसको चेंज किया। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कीप एक्स कॉन्स्टेंट, यू कैन चेंज वाई डायमेंशन। तो यहाँ पर मैंने एक्स को वेरी किया है, अब देखते हैं इस जगह से x का वैल्यू कितना मिल रहा है। x का वैल्यू मिल रहा है अंडर रूट ऑफ के वाई बाई के एक्स इंटू स्मॉल एक्स। तो यहां से मुझे ट्रांसफॉर्म्ड डायमेंशन मिल चुका है ऑफ योर फ्लो फील्ड। फ्लो फील्ड का डायमेंशन चेंज हो चुका है, यदि नंबर ऑफ फ्लो फील्ड्स है तो पूरे डैम का बेस लेंथ का डायमेंशन भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है इन द केस ऑफ एन आइसोट्रॉपिक सॉइल। यहां पर बात करता हूं, जो KY है वो वर्टिकल डायरेक्शन में परमेबिलिटी है, जो KX है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परमेबिलिटी है। एंड आई ऑलवेज नो कि आपका जो KY होता है दैट इज लेस देन KX, वर्टिकल डायरेक्शन की परमेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इजीली इट कैन फ्लो, वर्टिकल डायरेक्शन में इफेक्टिव स्ट्रेस का फैक्टर विल कम इन टू द पिक्चर। सो यहाँ पर ये फिगर, ये वैल्यू मुझे पता है कि ऐसा होता है। यदि ऐसा होता है तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, एज अ रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है, कैपिटल एक्स का वैल्यू जो मिलने वाला है इट विल बी लेस देन स्मॉल एक्स, यस आई कैन से। तो देखिए, यदि आपके पास जो सॉइल है बिलो द डैम इफ इट इज एन आइसोट्रॉपिक, इन दैट केस जो बेस लेंथ डैम का रिक्वायर्ड है, पूरा बेस लेंथ दैट विल बी रिड्यूस्ड, और कितना रिड्यूस हो जाएगा, इट विल बी रिड्यूस्ड इन दिस फैक्टर के वाई बाई के एक्स अंडर रूट ऑफ के वाई बाई के एक्स से, ठीक है। तो इस पे बेस्ड ये था पूरा आपका एनआइसोट्रॉपिक सॉइल का डिस्कशन। यदि आपके पास एनआइसोट्रॉपिक सॉइल है तो आप किस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आइसोट्रॉपिक सॉइल के फ्लो फील्ड में, रेक्टेंगल को स्क्वायर में, इस यूनिट का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात कि अब मैं डिस्चार्ज यदि कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला में लगाऊंगा Q इज इक्वल टू के एक्स इंटू के वाई साथ में डेल्टा एच एन एफ बाय एन डी, ये फॉर्मूला में लगाऊंगा डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। तो ये दो चीज़ें आज हमने इस वीडियो में सीखा है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक गेट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। दिस प्रॉब्लम एक्चुअली इट वॉज आस्क्ड इन द ईयर ऑफ 2001 में गेट का एक प्रॉब्लम पूछा गया था, एंड द प्रॉब्लम इज द कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस आर 3.46 मीटर पर डे एंड 1.5 मीटर पर डे रिस्पेक्टिवली। द बेस लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डैम रेस्टिंग इन दिस सॉइल इज 100 मीटर। When the flow net is developed for this soil with 1:25 scale factor in the vertical direction, the reduced base length of the dam will be. Four options we have given. We have been given four options. Now we have to calculate the base length, reduced base length of the dam. तो मैंने जैसे बताया था यहाँ पर आपका जो डायमेंशन है वो क्या होता चले जा रहा है, कम हो रहा है, तो बेस लेंथ जो है डैम का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था गेट 2001 में, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसको यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कितना चेंज हो रहा है बेस लेंथ में। इनिशियल बेस लेंथ उन्होंने कितना दे रखा है हमें, 100 मीटर, ये है 100 मीटर। के एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हो गया के एक्स का वैल्यू। के वाई का वर्टिकल डायरेक्शन में कितना दे रखा है, ये हो गया आपका के वाई का वैल्यू। के एक्स हो चुका है, के वाई हो गया, बस यही चाहिए हमें। तो निकालते हैं हम रिड्यूस्ड बेस लेंथ, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट के वाई
by kx into small x. ये reduced base length है जो कि मैं निकालना चाहता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं reduced base length कितना बन रहा है, ये बन रहा है अंडर रूट के वाई का वैल्यू 1.5 डिवाइड बाय 3.46 इनटू, यहां पर ये कितना हो गया फैक्ट एक्स 100 मीटर. तो यदि हम इसको सॉल्व करें सो हमें कितना वैल्यू मिलता है दैट आई कैन कैलकुलेट हियर, और यहां पर मुझे कुछ आंसर मिल रहा है इसका 1.5 डिवाइडेड बाय 3.46 तो इनटू 100, यहां पर मुझे वैल्यू मिल रहा है 65.84 मीटर. मतलब देखिए कि आपको बेस लेंथ कितना रखना था यहां पर 100 मीटर का, लेकिन एन आइसोट्रॉपिक होने के कारण जब हमने ट्रांसफॉर्म किया तब हमें कितना रखना है सिर्फ 65.84 मीटर का. ठीक है, सो यहां पे ये क्या हो चुका है, बेस लेंथ कम हो चुकी है. उन्होंने क्या पूछा है, हमें स्केल दे रखा है, आपको जो स्केल कंसिडर करना है इट इज 1:25, तो इसका स्केल ले लेते हैं हम दैट इज 1/25 का. तो देखते हैं कितना आता है स्केल लेने पर, स्केल लेने पर मुझे वैल्यू मिल रही है 2.633. तो यहाँ से यदि मैं मैच करूँ मेरा ऑप्शंस को तो मुझे आंसर जो मिल रहा है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए. तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो बेस लेंथ है डैम का वो किस तरीके से रिड्यूस हुआ है. सपोज़ जो इनिशियली दे रखा था उन लोगों ने हमें सपोज़ 100 मीटर दे रखा था, और अभी जब मैंने इसमें इन आइसोट्रॉपिक सॉइल का कंसेप्ट लगाया जिसमें कि बेस लेंथ मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, तो बेस लेंथ कुछ रिड्यूस होकर मुझे अब कितनी प्रोवाइड करना चाहिए 65.84 मीटर की, 65.84 मीटर बेस लेंथ आई कैन प्रोवाइड, सो इट इज रिड्यूस्ड नाउ. सो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ओनली वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस लेक्चर. थैंक यू.